जबलपुर में आउटसोर्सेज निगम कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू से चर्चा की। कर्मचारियों का कहना है कि लगभग 3 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला, जिसके चलते वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सभी कर्मचारियों ने जबलपुर महापौर से चर्चा कर जल्द से जल्द वेतन देने की गुहार लगाई। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ हर बार ऐसा ही होता है और उनकी तनख्वाह रोक ली जाती है। यही नहीं, यदि वह अपना वेतन मांगते हैं तो उन्हें हटा देने की धमकी भी दी जाती है। आउटसोर्स कर्मचारी मेरे पास आए थे कि उनको वेतन उनके ठेकेदारों से नहीं मिल रहा है, तो उसको मैंने आयुक्त महोदय से भी बात की है और उसको अधिकारियों से भी बात की है, उनको बुलाया है, उसको फाइल भी मैंने बुलाई है, उसको देख कर जल्द से जल्द त्यौहार के पहले उनके निराकरण करने की तैयारी है। श्रमिक भाई जो यहाँ लेबर का काम करते हैं और हम लोग दो दो रात दिन काम करते, 8 घंटे की जगह हम लोग से 12-14 घंटे काम लिया जाता है यहाँ के दल प्रभारियों से, और अगर मैं पेमेंट मांगो तो कोई हम लोग की सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग को खाने पीने के लिए बहुत आर्थिक स्थिति संकट में रहती है। अभी बच्चों के पेपर चल रहे, फीस कहाँ से चुकाएंगे, ये इन लोग को आँखों में नहीं दिखता। इनको काम चाहिए और आपका भूखे मर रहे क्या करें हमको मतलब नहीं है। एक माह हो, एक बार हो, दो बार हो, हर समय पेमेंट के लिए हम इन लोग को और धमकी क्या दिए जाते, भगा दिया जाएगा। क्या चाहते हैं हम लोग की पेमेंट? हम लोग काम करते और 8 घंटे 12-12 घंटे पूरे कोरोना काल में काम किया, चुनाव वाली निर्वाचन में काम करते, पेटी में उठाती इतनी वजनदार, वहाँ से क्या मिलता क्या नहीं हम लोग को तो नहीं मालूम, पर हम लोग 6,500 ही में पेटी उठाते हैं। आप लोग की बात हुई महापौर जी से? महापौर जी से बात हुई, महापौर जी बोल रहे हैं कि हाथ बो जाए पर होती नहीं, हो ही नहीं रही तन। हम लोग को तो अभी क्लियर भी नहीं पता कि हम लोग की सैलरी कितनी है। क्या करेंगे भाई, अब नहीं जाएंगे काम पे, और उसके बाद हम लोग के पास एक और मोहरा खड़ा होगा कि इनको भगा दो। जे काम लेने वाले ऐसे ही बोलेंगे कि साहब या तो हम अपने लड़के ले आ रहे हैं। आप लोग ठेके पे हो? प्रकाश दाई, हाँ मैं ठेका हूँ। जे लोग बोलेंगे कि हम दूसरे अतिक्रमण ठेका श्रमिक हैं, नगर निगम में विगत 10 वर्षों से हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं, और हम लोगों का वेतन के लिए हर 2-4 महीने में ऐसी स्थिति बनती है कि 3-4 महीने पेमेंट ही नहीं होती। इस बार वही स्थिति हो गई कि 2.5 महीने हो चुके हैं और हम लोग की वेतन मिला ही नहीं अभी तक। त्यौहार पास में खड़ा हुआ है, हम लोग की स्थिति इस तरीके की हो गई कि हम लोग ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं हम ठेका में? हम लोग को पूरे 80 लोग हैं यहाँ पे अतिक्रमण में, 80 कर्मचारी हम लोग। आज आप महापौर से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, उनने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में हम आपकी वेतन जो है जो करवा देंगे, कोशिश करते हैं महापौर। यदि नहीं होता तो फिर हम लोग काम टोटल जो है काम पे जाना बंद कर देंगे, हम लोग हड़ताल धरने में बैठ जाएंगे। और हम लोगों का जो वेतन है, जो हम लोग को विगत 4 वर्षों से 6,500 ही मिल रहा है, मतलब उसमें बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है। ठेके बदल जाते हैं, बाकी सैलरी हम लोगों की वेतन बढ़ ही नहीं पा रहा है। विकास पांडे, अतिक्रमण। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।